अरे सर क्या दोहरी नीति की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। सीधा ही जवाब दे रहा हूं। तो कोई गोलमोल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कनाडा पे कोई अपना वक्तव्य दिया है? अरे दानिश कुरैशी बोल रहा है, वो उन्हीं का बंदा है या नहीं? फिलिस्तीन पे भी आप ही बोल देते ना, उन्होंने क्यों बोला? एक बार नहीं 10 बार बोला। फिलिस्तीन पे हम बोले ही ना, हमको तो गिरफ्तार कर दिया था। अरे फिलिस्तीन पे अगर ओवैसी साहब बोले, मैं पार्लियामेंट्री मेंबर नहीं हूं ना, अगर मैं होता तो मैं भी बोलता। अरे मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रही, आपने बोला, आपने निंदा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपके जो सांसद और नेता और चीफ हैं, उन्होंने कनाडा पे अभी तक क्यों नहीं बोला? क्या हिंदुओं की जिंदगी की, उनकी सुरक्षा का, उनके धर्म का कोई मोल नहीं है? अरे तो मैं वही कह रहा हूँ कि सामने जो है सिख समाज के लोग, वो भी तो भारतीय ही हैं। हमको समझाने की जरूरत है बजाय उसमें पार्टी बनने के। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है, पार्टी बनने के बजाय हमको समझाने की जरूरत है। आरपी सिंह समझाइए, इस पर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि जो सामने सिख लोग हैं वो भी भारतीय हैं, इसीलिए ओवैसी साहब अभी चुप्पी रखे हुए हैं। पद्मजा, हिंदू सिख का झगड़ा, मैं स्पष्ट कर दूं, ये झगड़ा हिंदू सिख का नहीं है भाई। पिनोजी आ रही हूं आपके पास, आरपी सिंह। पद्मजा स्पष्ट कर दूं, जो वो लोग हैं वो सिख नहीं है। सिख धर्म में कहीं भी इस प्रकार की छूट नहीं है कि आप किसी और धर्म पर जाकर इस प्रकार तय करिए। और उसे नहीं, आप तय करिए क्या मतलब? वो तय है कि वो सिख नहीं है। नहीं, आप तय करेंगे मतलब कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन पारसी जैन, ये तो व्यक्तिगत, तो किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं लगा सकता। मुझे मेरी बारी है बोलने की, किसी और की बारी है? आरपी सिंह बोलिए। सर में क्या है कि मैंने जो कहा कि कुछ शरारती एलिमेंट है जिनको हवा मिलती है हमारे यहां से, मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। कश्मीर में जब धारा 370-375 से हटाई गई, उसके अगले दिन राहुल गांधी ने बयान दिया, कहा कि कश्मीर में कत्लो गैरत हो रही है, खून की नदियां बह रही हैं। एग्जैक्टली वही बयान इमरान खान ने कॉपी कर बोला, यूएन में जाकर बोला, और बोला कि वहां के लीडर कह रहे हैं कांग्रेस के कि वहां पर खून की नदियां बह रही हैं कश्मीर में। तो क्या है कि अब हमें नहीं पता, राहुल गांधी जाने जाने में करते हैं, चाहे सोच समझ कर कुछ कैलिब्रेटेड है, कहीं कोई अंदर खाते तारे मिली हैं। जो पाकिस्तान का K2 का एजेंडा है कश्मीर और खालिस्तान का, उसमें कांग्रेस समर्थन करता दिखती है। वो कश्मीर के मामले में जब हुआ तब भी देखिए कांग्रेस समर्थन करती हुई। अभी खबर मैं कहता हूँ, मैं कारण नहीं जानता, मैं आरोप नहीं लगा रहा, परंतु जो दिखता है तथ्य बता रहा हूँ। और इसी प्रकार जब ये बोलकर आए तो पन्नू ने उसको लपक लिया, जब ये बोलते हैं अमृतपाल सिंह उसको लपक लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और ये सबके सब क्यों डरते हैं? जब वहां पर हमला हुआ तो उस पर बोलते हुए क्यों डरते हैं? बोलने में डर है क्या, बताइए दानिश कुरैशी। फिर से वही यही सवाल घूम फिर क्या जाता है, बोलने में डर नहीं? एक मिनट, एक मिनट, वोट बैंक को लेकर जो हमला हुआ हिंदू महासभा का मंदिर है, वोट बैंक। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलती रहती है। पंजाब में हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या दिल्ली में हम वो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का? ये जो मानसिकता इससे बाहर निकले, मैं वही कह रहा हूं, सवाल यहां ये खड़ा होना चाहिए कि जिस तरीके से विनोद बंसल या आप या और किसी से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बजाय ये होना चाहिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के जितने भी मुख्य पार्टी के चीफ हैं, 2 या 4 या 5 या 7 या 10 ये तमाम लोग इकट्ठा होते और एक साथ एक मैसेज देते भारत की तरफ से। लेकिन हम तो खुद यहां लड़ रहे हैं। ये तो सुझाव आपने, ये फिर से दोहरी नीति है, फिर से दोहरी नीति है विनोद बंसल जी, फिर से दोहरी नीति है कि फिलिस्तीन में तो आपका ये सुझाव नहीं आया, वहां पे तो आप आगे बढ़ के अपने बयान दे रहे थे। मैं पढ़ के सुनाती हूँ वरुण पुरोहित जी, आप भी बताइएगा कि मैं देख रही थी, एक ट्वीट है 26 जुलाई 2024 का, प्रियंका जी लिखती है, इट इज नो लॉन्गर इनफ टू स्पीक अप फॉर सिविलियंस, मदर, फादर्स, डॉक्टर, नर्सेज, एड वर्कर्स, जर्नलिस्ट। अब ये काफी नहीं है कि आप सिर्फ सिविलियंस के लिए अपनी आवाज उठाइए, अब हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इजराइल की सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, उसकी निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें। अगर इसमें इजराइल हटा करके कनाडा जोड़ दिया जाए तो मेरे को लगता है फिट बैठता है ना, एक ट्वीट ऐसा भी हो जाना चाहिए था। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, और ये पहला ट्वीट नहीं है, ऐसे दसियों ट्वीट हुए। अरे फलस्तीन में कितने लोग शहीद हुए आप जानती हैं?
तो मतलब हिंदुओं की गलती से कितनी है कि वो मरे नहीं। कह रहा हूँ कि वो कितने कितने वक्त के बाद आया, 7 अक्टूबर को पिछले साल की घटना घटी, तब से लेकर अभी तक करीब 30,000-40,000 लोग मारे गए, उसके बाद की ये परिस्थिति है। और आप ये कह रहे हैं उसके पैरल दोनों चीजों में इक्वालिटी, तो मतलब दोनों की तुलना इसलिए नहीं हो सकती। एक सेकंड वरुण जी आ रही हूँ, विनोद बंसल जी, दोनों की तुलना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फिलिस्तीन में देखिए कितने लोग मारे गए, कनाडा में सिर्फ एक हमला हुआ है, वो आप डिप्लोमेटिकली सुलझा लीजिए। पद्मजा जी, ये जो फॉर्मूला इन्होंने सजेस्ट किया है ना जी, बोलना चाहिए अलक्सा मस्जिद आज तक क्यों नहीं सुलझी। जब अलक्सा मस्जिद का आप डिस्प्यूट कह ही रहे हैं तो सब बोलते ना वहां सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, जाकर के अलक्सा मस्जिद में ये आक्रमण कर दो, कभी ये हमारी है बाकी किसी की नहीं है, अगर हिम्मत है तो करो ना इसको, ये बेकार की बेहुदा बातें नहीं करते। दूसरी बात ये कि झगड़ा इजराइल फिलिस्तीन का है और बीच में द्वंद और ये जो प्रदर्शन भारत में हो रहे हैं, क्या मतलब भाई? मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी का मानवाधिकार को हनन हो रहा है तो निश्चित रूप से आप आवाज उठाइए, लेकिन दंगा बंद करिए ना। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं ना कि हिंदू सिख ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़ाई हिंदू सिख की है ही नहीं, सिख समाज को भारतीय समुदाय हिंदू समाज ना, आपने गलत समझा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि लड़ाई हिंदू सिख की है, मैंने ये कहा कि एक तरफ जो है वो भी भारतीय है और दूसरी तरफ जो है वो भी भारतीय है, आपकी ज़हनियत में हिंदू 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 आ गया, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बंसल जी आप जो वार्ता की बात कर रहे थे, मैंने कहा समाज हमारा है, आप बीच में मत पड़िए, आपको आपको अपने अलक्सा मस्जिद का मामला सुलझाना है तो आप सारे सारे मुसलमान वहां चले जाइए, देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ इजराइल के ऊपर हमला करोगे तो आप चुप्पी से जाएगा, आप चुप्पी छाट दोगे, और जब इजराइल आपको ऊपर हमला करेगा तो बिलबिला जाओगे। अगर आप भारत भी तो आप वही काम कर रहे हैं बंसल साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कनाडा के मामले में सबका मत एक साथ निकलना चाहिए, उसके बजाय आप यहाँ कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मजलिस से लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, इस मानसिकता से, इस ज़हनियत से बाहर निकलेंगे। कमाल की बात है, पटियाला के गांधी पर बोलो ना,